क्या आपके भी क्रोम ब्राउजर से कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने क्रोम ब्राउजर की डाउनलोडिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और अपने क्रोम ब्राउजर से कुछ भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डिजिटल प्रभा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर देखिए, हमने मोबाइल पर है और जहाँ पर देखिए क्रोम ब्राउजर से हम कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले। देखिए, हमने क्रोम ब्राउजर को हम ओपन कर लेते हैं और जैसे हम अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो कुछ हम भी यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो देखिए ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर जो डाउनलोड करते हैं वो डाउनलोड हो जाता है और जो डाउनलोड नहीं होता वो फंस जाता है, एरर आता है, इस तरीके से कटआउट मैंने पॉज कर रखा है और इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं तो वो यहाँ पर डाउनलोड नहीं होता। तो उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसके लिए देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर बैक आना है और बैक आने के बाद देखिए आपको जाना है सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग पर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, सबसे नीचे आपको आना है स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है ऐप मैनेजमेंट का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ऊपर देखिए आपको एक ऐप लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऊपर देखिए आपको एक सर्च बार का आइकन मिलता है, यहाँ से आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं या फिर देखिए अगर आपको प्ले स्टोर यहाँ से ढूंढने मिल जाएगा लेकिन डाउनलोडिंग सिस्टम जो होता है उसको ढूंढने के लिए देखिए आपको क्या करना है, दो बिंदु का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, दो डॉट पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए सो सिस्टम मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सो आपके मोबाइल में जितने भी सिस्टम और जितने भी सारे एप्लीकेशन होंगे वो सभी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे डाउनलोड, क्योंकि आपके मोबाइल में डाउनलोडिंग प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर लिखेंगे डाउनलोड और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है डाउनलोड एंड डाउनलोड मैनेजर का, तो सिंपली आपको क्या करना है डाउनलोड मैनेजर पर आप क्लिक करेंगे और आपके डाउनलोड में प्रॉब्लम है देखिए फोर्थ स्टॉप पर आपको क्लिक करना है, देन फोर्थ स्टॉप पर आप क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद देखिए आपको ऑप्शन मिलता है क्लियर डाटा यूजर्स का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन नीचे देखिए क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लियर डाटा इसको इस तरीके से क्लियर कर देंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से आपको बैक आना है और ये सबमिट चेक कर लेना है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है डाटा यूजर्स डिटेल्स नीचे और ये देखिए यहाँ पर जो होता है ये इसका बैकग्राउंड डाटा यहाँ पर इनेबल है, चलिए इसमें ये वो ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद फिर से आपको बैक आना है और फिर यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड्स का, डाउनलोड मैनेजर और डाउनलोड्स दोनों में आपको फोर्थ स्टॉप लगा देना है। अगर फोर्थ स्टॉप लगाने के बाद देखिए स्टोरेज यूजर्स पर क्लिक करेंगे और नीचे देखिए 10.87 MB का है इसका क्लियर डाटा टोटल ऑल, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए 115 KB का बचा, तो एक बार यहाँ से आपका ये डाउनलोड सिस्टम सारा रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ से बैक आते हैं और डाटा यूजर्स डिटेल पर चेक कर लेना है, यहाँ पर फिर भी वो ऑप्शन नहीं है तो आप आगे हमको बताते हैं। आपको यहाँ पर देखिए बैक आना है और सो आपकी ये दो सेटिंग हो गई। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक सर्च कर लेना है क्रोम ब्राउजर, क्योंकि आपके क्रोम में दिक्कत आ रही है ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्रोम, इस तरीके से लिखकर सर्च करेंगे तो देखिए क्रोम ब्राउजर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फोर्थ स्टॉप पर आप क्लिक करेंगे, देन फोर्थ स्टॉप पे आपको फिर से क्लिक कर देना है और इसके बाद देखिए एक स्टोरेज यूजर्स मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और मैनेज स्पेस पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे देखिए क्लियर डाटा ऑल लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका इसका भी जितना डाटा होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लियर डाटा ऑल लिखा है, जहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो जो भी है वो पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ से बैक आना और एक चीज चेक कर लेना, क्योंकि उन दोनों में वो चीज नहीं थी लेकिन इसमें होती है, तो आपको देख लेना है डाटा यूजर्स डिटेल, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये देखिए आपके मोबाइल लिखा होगा डिसेबल मोबाइल डाटा एंड डिसेबल वाईफाई, तो ये देख लेना है आपको, ये ऑफ होने चाहिए। अगर ये ऑन हो जाते हैं तो आपके डाउनलोडिंग और आपके क्रोम ब्राउजर चलाने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके ये नेटवर्क डाटा लिखा है ना, तो डिसेबल मोबाइल डाटा उसका डाटा जो कनेक्शन होता है वो बंद कर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब चलिए, ये आपके मोबाइल की सिर्फ यही इंपॉर्टेंट सेटिंग थी, तीनों इनको आपको सेट कर लेना है, आपको यहां से बैक आ जाना है। जैसे आप यहां से बैक आएंगे तो आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को यहां पर ओपन करेंगे और आपका क्रोम ब्राउजर जो है वो बिल्कुल यहां पर ओपन हो जाएगा, बिल्कुल न्यू तरीके से, जिससे कि एक नया एप्लीकेशन जब डाउनलोड करते हैं तो सारे नए टर्म्स कंडीशन और एक्सेप्ट करने और अलाउ परमिशन मांगता है, उसी तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको यहां पर एक्सेप्ट टू कंटिन्यू करना है, आई एम इन पर क्लिक कर देना है और जो आपका क्रोम ब्राउजर देखिए यहां पर रिफ्रेश होकर बिल्कुल न्यू तरीके से यहां पर ओपन हो जाएगा। और अब जो कुछ भी अपने क्रोम ब्राउजर से फोटोज, वीडियोज, आइडियोज या डॉक्यूमेंट कुछ भी यहां से डाउनलोड करना चाहते हैं उन्हें सर्च करके और यहां पर उन्हें डाउनलोड कर देंगे तो आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपके में डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, ये सारी सेटिंग करने लेने के बाद आपको अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करके ओपन कर लेना है, इस तरीके से प्रेस करके रखेंगे अपने की प्रेस को और यहां पर देखिए रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा या फिर पावर ऑफ करके ऑन कर लेंगे तो वो भी कर सकते हैं। रीस्टार्ट बेहतर रहेगा क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक आपको ऑफ हो जाएगा और ऑटोमेटिक ओपन आपका मोबाइल हो जाएगा, तो ये आप कर लेंगे आपकी 100% डाउनलोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद।